अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं गुलफाम यासीन और हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है गुलफाम एकेडमी। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पर्पज़ ऑफ एंटर की। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एंटर की, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एंटर की, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंटर की का पर्पज़ क्या है। तो डियर व्यूअर्स, एंटर की जो है, जो कि आपके कीबोर्ड पे मौजूद होती है, इसका एक ये पर्पज़ है कि जब आप एंटर की प्रेस कर रहे होते हैं, जिस तरह की देखें मैं अभी एक टाइप करने वाला हूँ कि गुलफाम एकेडमी, मैंने ये टाइप किया, ठीक है। तो ये मेरे, आप देख सकते हैं ये जो एक ये जो लाइन है छोटी सी, ये जो के ई वाई के बाद इस वक्त छोटी सी लाइन ब्लिंकिंग लाइन है, जो कभी अपेयर हो जाती है कभी डिसअपेयर हो जाती है, इस प्रोसेस को ब्लिंकिंग करना कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कर्सर। तो अगर आप एंटर की प्रेस करें तो कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो देखिए, अभी मैं जब एंटर की प्रेस की तो मेरा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में चला गया। तो मैं यहाँ पे आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ कि जिस तरह ये देखें, अभी मेरा जो कर्सर है वो क्वेश्चन मार्क के बाद में ब्लिंक कर रहा है। तो अब जब मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो फिर वही होगा कि नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में चला जाता है मेरा कर्सर। और इसके अलावा एक ये कि जब आप एंटर की प्रेस करते हैं तो ये जितने भी वर्ड प्रोसेसर हैं, टेक्स्ट एडिटर हैं, एंटर की प्रेस करने से नया पैराग्राफ भी जनरेट हो जाता है। इसके अलावा एंटर की का पर्पस ये है कि एंटर की जो है वो आप किसी चीज़ को ओपन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मीन जिस तरह कि मैं डेस्कटॉप है तो यहाँ पे आपने जिस चीज़ को भी ओपन करना है सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। तो ये देखें, ये ओपन हो गया। तो मीन ये हमारे पास आज जो हमने डिस्कस करना था कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एंटर की। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एंटर की का एक पर्पज़ ये है कि जब आप एंटर की प्रेस करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसके अलावा टेक्स्ट एडिटर में एंटर की जो है जब आप प्रेस करते हैं तो एक नया पैराग्राफ जनरेट हो जाता है। और इसके अलावा आप जो है किसी चीज़ को, आपने किसी आइकन को सिलेक्ट किया हुआ है या किसी भी चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है तो एंटर की प्रेस करेंगे तो वो चीज़ जो है ओपन हो जाएगी। तो ये था हमारा आज वीडियो लेक्चर में कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एंटर की। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आप हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।